स्लो ना कर, स्लो ना कर। तीसरा बननी, दूसरी तरफ बनना सुनो। चल कोई नहीं कोई नहीं, आसरा रख, बस कुछ नहीं होता। याद नहीं है, इसको टाइट कर, स्लो करके ना इधर डॉक्टर साहब ने असिस्ट कर लिया। पीछे है सर, बिल्कुल पीछे है सर। शाबाश। तेल दे दे पैराफिन तीन सीधा के सीधा यार सीधा चिपको केड़ा ना करो चलो 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 शाबाश 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 बस आ गया शाबाश शाबाश बुत्ती आ गई वहां पे किताब आ गई शाबाश 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 ये शाबाश सिक्कू चुको मैंने पैर जोर नहीं छोड़ना जोर नहीं छोड़ना लत्ता छोड़ दो सिर्फ मुंह लत्ता छोड़ दे रस्सा छे लत्ता का कोई काम नहीं है जी। एक बात याद रखिएगा कि बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अगर अमेरिकन काउज हैं या फार्म पे जानवर मौजूद हैं तो असिस्टेड डिलीवरी जो है अक्सर औकात देखने में आती है, तो बहुत बेहतर है कि आपने पास काफ पुलर जो है आप उसका बंदोबस्त कर लें। ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, कोई 8-10 हज़ार का जो है मुनासिब सी कीमत कहा जाता है, तो उसमें यह है कि ज़ोर ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता। लेकिन फील्ड कंडीशंस में जो है फिर आपको डेफिनेटली जो है ये बंदों का और रस्सियों का जो है सहारा लेना पड़ता है जी, और ज़ोर भी जो है फिर वो ठीक ठाक किस्म का जो है वो लग जाता है। लेकिन अगर काफ पुल हो तो यही प्रोसेस जो है काफ़ी हद तक जो है ये आसान हो सकता है। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि बच्चे की पोजिशन जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, फिर ही काफ पुलर जो है वो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स देता है। ज़ोर ला रही है कोई नहीं बस सीधा उल्टा कर दे उसमें। ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਾਵਨ ਲੰਮੇ ਪਾਵ ਹੁਲਾ ਹੋ ਅਕਬਰ ਟਿਕਾਲ ਟਿਕਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰੋ ਜੀ
जी ये काफ फुलर की तस्वीर आप देख लें जी, कोई इतनी महंगी डिवाइस नहीं है, कुछ 10-12 हज़ार की रेंज में मिल जाती है। कोर्ट सेंस लाहौर से आप रब्ता कर लें तो उनसे आपको मिल जाएगी। लेकिन काफ फुलर के होने का मतलब ये नहीं है कि अब आप खुद ब खुद बच्चे निकाल सकते हैं। मुझे याद है एक फॉर्म पे काफ फुलर के ज़रिए जो है वो एक साहब ने बच्चा निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या किया, रस्सियाँ डाली हैं जी, रस्सियों को पीछे काफ पुलर के साथ अटैच किया और वो खींचते गए हैं, खींचते 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 अल्टीमेटली जो है बच्चे की टांग टूट के जो है ना बाहर आ गई है। तो ये इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर काफ पुलर जो है आपका वो ठीक नहीं है, ठीक है, आपने सॉरी, अगर बच्चे की पोजिशन अंदर ठीक नहीं है तो काफ पुलर का इस्तेमाल बेसूद है। अगर डिस्टोकिया के दौरान बच्चे की पोजीशन अंदर ठीक नहीं है तो पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो बच्चे की पोजीशन को ठीक करेंगे। जब बच्चे की पोजीशन ठीक हो जाएगी तो फिर बकाया के सारे काम है। फिर यहाँ पर 6-7 बंदों की जगह पे एक ही बंदा जो है वो रस्सियों की मदद से बच्चे को निकाल सकता है। तो मेजर चीज़ यही है, राइट पोजीशन पे बच्चे का होना, फिर रॉप सप्लाई करना और फिर तरीके से बच्चे को बाहर निकालना। वरना मैंने लोगों को जबाड़ियाँ तोड़ते भी देखा है, टांगे तोड़ते भी देखा है। तो बेहतर है कि जो काम है वो इंसान को अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि बाद में जो है वो ज़्यादा नुकसानात जो है ना उससे बचा जा सकता है। तो ये डेमो के तौर पे एक दो तस्वीरें आपके साथ शेयर की हैं, बाकी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं इसका इस्तेमाल की, आप देख सकते हैं, ढेरों पड़ी हैं। लेकिन फिर वही बात है, ख़ुद ना करें, अपने इलाके के जो डॉक्टर्स हैं उनकी रहनुमाई में ही आपने ये काम करना है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी कभी ऐसे जानवर जोर लगा रहा हो, ये आप देख रहे हैं बैठी हुई है तब की, जब से बच्चा निकाला है इसका, और बैठी बैठी खाई जा रही है, खड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी चूंकि इसका जोर हुआ है इसको हम फोर्स भी नहीं कर रहे, तो इस किस्म की कंडीशन में ये बच्चा देख लें, ये दो बंदे जो हैं ये बोरों की मदद से पूरा बच्चे को इन्होंने खुश्क कर दिया है। नीचे पराली है, ठंडी हवा चल रही है, और बच्चे के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चा माशाल्लाह एक्टिव कर दिया इन्होंने, पूरे होशो हवास में माशाल्लाह A1 ज़बरदस्त मौजूद है जी। तो जी याद रखिएगा, जब भी कभी बच्चे को डिलीवर करवा रहे हो और पीछे दो टांगे और बच्चे की ज़ुबान नज़र आने लग जाए तो फिर फर्दर वेट ना करें, बस को असिस्ट करना ज़रूरी है। असिस्ट करवा के उसकी जान छुड़वा देंगे बेचारी। 2:35 पर इसने वाटर बैग फेंका, 3:10 पे इसको ट्राई की कि बच्चा निकालने की, लेकिन यहाँ पर नहीं निकल सका। 4 मैंने आके इसको पकड़ा और हमने इसका बच्चा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से निकाल दिया है। तो अब ये इंशाल्लाह अज़ीज़ इसकी ट्रीटमेंट बकाया जो है वो कर दी गई है, और ये जो बच्चा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अब अल्लाह के फजल से जो है वो ठीक है जी। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।